सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वर्ड इज शैल। शैल का यूज कहाँ कहाँ पे किस तरह से होना चाहिए उसका सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। टू मेक ऑफर्स और सजेशन, शैल का यूज सबसे पहले आपके दिमाग में ये रखना कि जब आप किसी को सजेशन कर रहे हो या ऑफर दे रहे हो किसी भी चीज का, तब आप शैल यूज करोगे। सर आई क्लोज द डोर, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसी एग्जाम्पल में सर आई क्लोज द डोर, तो डेफिनेटली एक तरह से इसको ऑफर दे रहे हो या सजेशन दे रहा हो। दो आप जो भी आप समझ सकते हो उसमें, जो भी आपको सही लगता है चाहे सजेशन हो चाहे ऑफर उसमें से आप ले सकते हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज टू शो द सर्टेनिटी ऑफ प्रॉमिस, जब आप किसी को इन फ्यूचर प्रॉमिस कर रहे हो या एक निश्चितता दिखा रहे हो, ठीक है, इन फ्यूचर्स, तभी भी सेल का यूज होता है। हमने ये फ्यूचर टेंस में सेल और विल के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, सेल का यूज कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, कौन सी प्रोनाउंस के साथ होना चाहिए। बट द बेसिक थिंग्स आपको याद ये रखना है कि सेल हमेशा फ्यूचर के लिए जब आप प्रॉमिस कर रहे होते हो जो सर्टनिटी है उस समय सेल का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है आई शैल क्लीन द किचन टुमारो, एक तरह से प्रॉमिस कर रहा हूँ। एक बेटी अपनी माँ से ये प्रॉमिस कर दिया है, कोई बात नहीं मामा मैं आज नहीं कर पाऊंगी लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, या प्रॉमिस तो यहाँ पे लिखा है लेकिन इस सेंटेंस में ये एक तरह से ये दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी माँ से वो प्रॉमिस कर रही है। टुमारो डेफिनेटली फ्यूचर है, ठीक है, और वो इन फ्यूचर में अपनी माँ से वो प्रॉमिस कर रही है। तो यहाँ पे लिखा है आई शैल क्लीन द किचन टुमारो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो दो एग्जांपल बहुत काफी है आपको समझने के लिए कि शैल का यूज कहाँ कहाँ होता है। द नेक्स्ट वन इज इन द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस कमांड, अ प्रॉमिस और इवन अ थ्रेट, ठीक है। शैल जो है सेकंड और थर्ड पर्सन में भी यूज होता है। सेकंड यानी कि आप सेकंड पर्सन यू हो गया, थर्ड पर्सन ही सी इट हो गया, ठीक है। इंटेंस आप बिल्कुल ना भूले, देखा जाए तो शैल जो आई और वी के साथ हम टेंस में यूज कर लेते हैं फ्यूचर टेंस में, लेकिन यहाँ पे जब आप मॉडल्स की बात करते हो तो डेफिनेटली ये याद रखना कि जब आप सेकंड और थर्ड पर्सन में जब शैल यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली ये समझना कि कहीं बार कमांड, ठीक है, आदेश देने के लिए, और कहीं बार जो फिर से प्रॉमिस करने के लिए, या जो कोई मतलब भड़काने के लिए डांटने के लिए जो थ्रेट होता है उसके लिए भी वो शैल यूज होता है। यहाँ पे लिखा है ही शैल नॉट कम हियर अगेन, ठीक है, कोई किसी को बिल्कुल गुस्से में बोल रहा है कि वो दोबारा यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक धमकी देते हुए वो बोल रहा है। द नेक्स्ट वन इज यू शैल सडनली रिसीव ए रेज, ठीक है, यहाँ पे भी एक तरह से प्रॉमिस किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स शैल डेफिनेटली दो तीन चीज के लिए यूज होता है, सबसे पहले जो है वो इन फ्यूचर में ऑफर्स या सजेशन देने के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा जो है एक प्रॉमिस करने के लिए, और तीसरा जो है सेकंड और थर्ड पर्सन में शैल इसलिए यूज होता है कमांड या प्रॉमिस या थ्रेट करने के लिए शैल का यूज एज मॉडल्स इंग्लिश ग्रामर में किया जाता है। सो स्टूडेंट्स द सेकंड लास्ट वर्ड वुड, आपने बहुत बार उसने सुना होगा वुड, वुड भी कई बार रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आप देखो कम से कम चार वर्ड जो मॉडल्स में हमने देखा है स्पेशली जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं तो उनमें से वुड भी है जो डेफिनेटली वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, और कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम उसे रीड करके देखेंगे। सबसे पहले टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, सबसे पहला जो वुड एज ए मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर पेन, ठीक है। यहाँ पे अगर पहला एग्जांपल अगर देखोगे तो वुड यूज हो रहा है, फिर लिखा गया है वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर पेन, अगर आप बुरा ना मानो तो आप मुझे पेन दे सकते हो, ठीक है, कहीं बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप मुझे पेन दोगे। तो यानी कि जब किसी से आप किसी भी तरह से कोई भी चीज मांगना चाहोगे तो डेफिनेटली आप याद रखना कि उसे रिक्वेस्ट करके ही मांगा जाए, ठीक है, उसे विनती करके ही मांगा जाए। किसी का चीजें तो हम ऐसे छीन के ले नहीं सकते, ठीक है। एज ए स्टूडेंट्स आप बहुत बार अपने देखे होंगे एक बगल वाले स्टूडेंट से वो किस तरह से जो है वो दूसरे की पेंसिल या कोई भी चीज छीन के ले जाता है, ठीक है। लेकिन एज ए स्टूडेंट्स आपको ये भी याद रखना है कि
आप जब कोई भी चीज चाहे पेंसिल हो चाहे इरेजर हो चाहे पेन हो ठीक है या नोट कॉपी क्यों ना हो, जब आप किसी से मांगते हो तो पोलाइट रिक्वेस्ट आपको करना जरूरी है जिसमें कि आप वुड भी यूज कर सकते हो ठीक है। द नेक्स्ट वन इज टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट फॉर एग्जाम्पल ठीक है। जब भूतकाल की आदत जो हैबिट होता है उससे उसके बारे में बात करने के लिए भी कई बार हमें वुड का यूज करना जरूरी होता है जो कि मॉडल्स में है। देखेंगे उसका एग्जाम्पल क्या है। आफ्टर डिनर वी वुड सिट एंड टॉक फॉर आवर ठीक है। डिनर के बाद हम बैठेंगे और कुछ घंटे तक हम बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये एक पहला हमने देखा पोलाइटी का, दूसरा हमने देखा पास्ट हैबिट के बारे में बताया गया है। यानी कि डिनर के बाद हम जो है घंटों तक बैठते थे और बात करते थे हमारी एक आदत से ठीक है। जो कोई आप लोगों के भी बचपन में कोई ना कोई आदत से होती होगी ठीक है। कोई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से ये बता रहा है कि डिनर के बाद हम अक्सर क्या करते थे एक एक दो घंटे तक जो है हम बात करते थे। तो पास्ट हैबिट को इंडिकेट करने के लिए भी वुड का यूज होता है। द नेक्स्ट वन टू टॉक अबाउट द इमेजिनरी सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल आई वुड लव टू गो टू मोरक्को ठीक है। यहाँ पे एक इमेजिनरी सिचुएशन एक मतलब कि कल्पना जो एक तरह से सोच कर रहे हो विचार कर रहे हो कि हाँ शायद इन फ्यूचर में मैं वहां जाना चाहता हूँ ठीक है या मैं फ्यूचर में मुझे बहुत चीज करके दिखाना है। तो इमेजिनरी सिचुएशन को आप आगे रखते हुए वुड का भी यूज करते हो। सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे शुड, शुड का यूज कहाँ पे किस तरह से होता है। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे लास्ट शुड है ठीक है। इस वीडियो में सेकंड पार्ट में हम ये लास्ट वर्ड है जो शुड मॉडल्स उसको हम उसका रूल्स एंड उसका जो एग्जांपल है वो हम देखेंगे। सो टू एक्सप्रेस द एडवाइस सजेशन और ऑब्लिगेशन फॉर एग्जांपल यू शुड टेल द ट्रूथ। सबसे पहली चीज शुड का यूज इस तरह से होना चाहिए मॉडल्स में कि एडवाइस करने के लिए शुड यूज किया जाता है ठीक है। दूसरा है फिर से सजेशन किसी को अगर देना है तो शुड का यूज किया जाता है। उसके बाद ऑब्लिगेशन का मतलब है प्रॉमिस या कर्तव्य ठीक है उसके लिए भी शुड का यूज होता है। यानी तीनों चीज के लिए शुड का यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है यू शुड टेल द ट्रूथ क्या ये कोई बता सकता है इसमें क्या क्या एडवाइस देने के लिए कहा जा रहा है या सजेशन देने के लिए कहा गया है या ऑब्लिगेशन करने के लिए कहा गया है। तो इन तीनों में से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये क्या है एडवाइस किया जा रहा है ठीक है। कोई भी टीचर जो है हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए तो एक तरह से एडवाइस भी आप मान सकते हो ठीक है या सजेशन भी उसको मान सकते हो क्योंकि तीनों में से तीनों मैच होता है लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरह से एडवाइस ही होता है। जब हम किसी को एडवाइस करते हैं तो हमेशा यही करते हैं उसको एनकरेजमेंट करते हैं कि सच्चाई के रास्ते पे चलना है और बिल्कुल जो है सच्चाई बोलना है तो ये एक तरह से एडवाइस में ही आता है। द सेकंड वन इज शुड का यूज और कहां पे होता है टू एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी ठीक है यानी कि संभावना को दर्शाने के लिए ठीक है अपनी हाव भाव को प्रकट करने के लिए जो है शुड का यूज होता है। यू शुड फाइंड दिस ग्रामर बुक हेल्पफुल ठीक है यानी कि इसमें संभावना है और इस ग्रामर को आप खरीदोगे तो बिल्कुल जो आपके मददगार बन सकता है ठीक है या कोई गाइडलाइंस या कोई भी बुक्स जो आपको मदद कर सकता है ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी यानी संभावना है कि इस बुक खरीदो आपको बिल्कुल हेल्प मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट मॉडल्स इंग्लिश ग्रामर में हमने ये देखा चार वर्ड हमने डिस्कशन करा आज विल शैल ओट और शुड। सो डेफिनेटली यू माइट नो अबाउट दिस सो आप इसको बार बार उसको वीडियो को वॉच करें और इसको अपने आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझ में आ जाए। सो द नेक्स्ट वीडियो द लास्ट वीडियो विल बी डिस्कस मस्ट से हम शुरू करके और चार वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे जो कि वो आपका लास्ट वीडियो होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।